बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। मैं वादे के मुताबिक आपको रेसिपियां दे रहा हूं, आसान रेसिपियां दे रहा हूं, आपकी दहलीज पे रेसिपियां दे रहा हूं, बेरोजगारी के खात्मे को लेकर के रेसिपियां मेरे भाइयों में दे रहा हूं। मेरे वाल वेखो ते सही, मेरे वाल तवज्जो ते करो, तुसी सीखने वाले बनो इंशाल्लाह। ब्रेड रोल फटाफट से आप 5 से 7 मिनट में किस तरीके से बना सकते हैं, इसका कारोबार भी कर सकते हैं, स्टॉल भी लगा सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों का ट्रेंड चेंज भी कर सकते हैं, आप करने वाले बने तो ठीक हो गया। मैं आपको ब्रेड रोल बनाना सिखा रहा हूँ, विच 2 आलू भी दबांगा। तरीके से सुनिएगा, तरीके से देखिएगा और सीखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने ये 5 स्लाइस छोटे वाले ब्रेड के ले लिए और इसका ये ब्राउन वाला जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सा उतार देते हैं। ठीक है, गल समझ आ रही है? सोट नहीं देना, ये एयर ही काम आ जाता है। इस तरीके से इसको उतारने लगे हैं, कोई मसला नहीं है। ये ब्रेड हमने उठानी है इस तरह एक एक करके, मेरी बात सुने तो बस तसल्ली से। ये पानी है हमारे पास यहाँ पे, इसमें डिप कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। ये देखें, सब इस तरह कर लेनी है हमने। तमाम ब्रेड को पानी में डुबो के इस तरीके से निचोड़ लिया। यहाँ पे एक बॉल ले लें, इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें दाब दो, कोई मसला नहीं है। ये प्याज है मेरे पास एक छोटे साइज का, इस तरीके से इसको यहाँ पे काट के रख दें। ये शिमला मिर्च है, ये आधी दबांगे बिच, ठीक हो गया। आधी शिमला मिर्च छोटी है तो एक डाल दें, शामिल कर दें। ये गाजर है, ये भी आधी गाजर डाल दें, थोड़ी सी सब्जियाँ बिच इस तरीके से डाल दें, कोई मसला नहीं है। इनको सबको हम चॉप करने लगे हैं। तमाम वेजिटेबल को हमने चॉप कर लिया, इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। चस्के तो हूँ बाबा दसेगा, असल गला तो हूँ आन गया सामने, बात समझ आ रही है। इस तरीके से अब इसके अंदर शामिल कर दें जीरा 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से, अदरक पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगा, अदरक पाउडर नहीं है तो अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, ये मेरे पास अगर पाउडर है तो 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास 2 अदद आलू है, इनको मैंने बॉयल कर लिया, इनको अच्छे तरीके से मैश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू मैश करने के बाद इनको उठाएं इस तरीके से और ये इसमें डाल दें, कोई मसला नहीं है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस टाइम पे आके 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें और फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से हाथों को वॉश कर लें और फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, हाथों को धो लिया, ये ब्रेड क्रम ले लिए, ठीक हो गया। इनको हमने पीसा नहीं, इसी तरीके से ले लिए, गल समझ आ रही है। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में हम देंगे। और दूसरी बात यह है कि ये हमने कुकिंग ऑयल ले लिया हाथों को ग्रीस करने के लिए। तीसरी बात यह है, हमारे पास जब से हमने चैनल शुरू किया ट्रेम आया है 2 ही ने, असी भी चेंज नहीं कितिया। देखो बापे तो काम, इधर मेरे मुँह की तरफ कर, देखो बापे के कमालात, गल समझ आ रही है। वही ट्रेन और काम चला रहे हैं, दुआ किता करो कैसे ले लेंगे। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, कुकिंग ऑयल हाथ पे लगा दें इस तरीके से और ये हल्का सा इस तरह पेड़ा उठा लें, इस तरह करें इसको। आहा हा, मेरे तो होने नाल चस्के आ रहे हैं। इसका इस तरह रोल कर लें जिस तरह आप चाहते हैं, इस तरह का, ठीक हो गया। ब्रेड क्रम में इस तरह डाल दें, गल समझ आ रही है बाबा की कह रहे हैं, इस तरीके से, गल समझ आ रही है। इस तरीके से हर तरफ लगा दें और इसको यहाँ पे लें, सब को इस तरीके से आपने बना लेना है। फिर आपने कुकिंग ऑयल लेना है, हाथों को लगाना है, हल्का सा पेड़ा लेना है, इस तरीके से करना है उसको और फिर उसको इस तरह करके हल्का सा ऐसे कर देना है। साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। साइज़ का अगर आपको छोटे पसंद है छोटे बनाए, बड़े पसंद है बड़े बनाए, इस तरीके से, फिर इस तरीके से सब मैं इस तरीके से बना लूँगा। ये जी आयल हमारा गर्म हो चुका है, साफ आयल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, गल समझ आ रही है। रोल उठाएं, इस तरह रख दें, इसमें फौरन चम्मच नहीं दबना, कई दफ़ा बताया आपको, इस तरीके से इनको थोड़ा सा जान में आने देना है, ठीक हो गया, गल समझ आ रही है। इस तरीके से, इस तरीके से और फिर इस तरीके से इनको हल्का सा 1 मिनट नहीं छेड़ना, 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 1 मिनट के बाद हल्का सा पैन उठा के इस तरीके से हिलाएँ ताकि आयल ऊपर तक भी चला जाए, एवें, गल समझ आ रही है। एहतियात से हाथ नहीं साड़ लेने इस तरीके से और हल्का सा आप इनकी साइड चेंज कर दें, ये देखें सुभान अल्लाह, इस तरीके से, इस तरीके से,
इस तरीके से, और इस साइड से भी इस तरह। ये टोटल टाइम हमें जो है ना 1.5 मिनट लगेगा, ठीक हो गया, इस तरह मीडियम फ्लेम पे। इधर से भी ये थोड़े ब्राउन हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जब ये कलर हमारा आ गया इस तरीके से, ये देखें सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पे निकाल दें। इस तरह बकाया भी इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। ये ले इस कलर, जब ये कलर आ गया, हर चीज साड़ी पक्की हुई है, गल समझ आ रही है। आलू भी उबले हुए ने, हर चीज फिट है बिल्कुल। 1.5 मिनट लगा इसको इस कलर में लाने में। फ्लेम को बंद कर दें, इनको यहाँ पे निकाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है चस्के। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं। अगर मैं इसकी खस्तापन की क्रिस्पीपन की बात करूं तो देखिएगा, गल समझ आ रही है। अगर मैं टिश्यू की बात करूं तो ये किचन टिश्यू मैनू स्टाफ ने लिया तो दिता है, मैं तो सेल रहा, गल समझ आ रही है। इस तरीके से इसको तोड़ लें और इसको यहाँ पर रख लें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। सर्विंग का तरीका बता रहा हूँ आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ऐसे सुभान अल्लाह, ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे रखें, यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐसे रखें। कमाल का इनका टेस्ट होगा, कमाल के ये तैयार हुए मेरे भाइयों। आप इनको बनाएं, चाय के साथ बनाएं, गल समझ आ रही है। जैसे मर्जी आप इसको बनाएं, यहाँ पे रख दें, ये देखें अंदर अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी, ये देखें देखो है हल्का हल्का मुझ पानी आ रहा है। इसको यहाँ पे रख दें इस तरीके से मेरे भाइयों। ब्रेड रोल किस तरीके से तैयार होते हैं आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।